क्वेश्चन नंबर 7। ए सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल बेसिस। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक कोन है, जो सिलेंडर की हाइट दी गई है, सिलेंडर की हाइट हमें दी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बेस का एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस अपॉन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस पूरे जो डायग्राम बना, जो फिगर बना है, इसका पूरा वॉल्यूम 500 दिया हुआ है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ फिगर, हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है। मीन्स ये हाइट तो हमें पता है, बस हमें कोन की हाइट फाइंड करनी है। अगर कोन की हाइट आ जाती है तो हमें पूरा सॉलिड की हाइट पता चल जाए। क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन 3 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि बेस में क्या है, सर्कल होता है, और सर्कल का है फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, इसके इक्वल है। सो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है यहाँ पे इसका वॉल्यूम, क्योंकि ऊपर का वॉल्यूम और नीचे दोनों वॉल्यूम ऐड करके दिया हुआ है 500। तो चलिए हम पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 100 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ये आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम हमने निकाल दिया। उसी तरह हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, कोन का। कोन के लिए यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है नहीं, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें फाइंड करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमने वहां पे फाइंड किया है, सेम वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 100 इंटू एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 100/3 सेंटीमीटर क्यूब। यह दोनों वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया 1/3 एच सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम हमारा दिया है 500, लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 500, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड किया है 300 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे हमने फाइंड किया है 100/3 एच, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले यहाँ पे 3 हमें डालना है, 3 का यहाँ पे डिवाइड है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ तीनों टर्म में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, यहाँ करेंगे तो 900 प्लस 100, यहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचे 100 हो गया, 900 के यहाँ प्लस है, इस साइड है तो माइनस 100, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपना 600 इज इक्वल टू 100 एच। एच की वैल्यू हाइट अपने को फाइंड करनी है, सो एच इज इक्वल टू 600/100, 100 का मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, सो एच इज इक्वल टू आ गया 6। यह हाइट किसकी आ गई, कोन की, कोन की हाइट आ गई हमारी 6 और वो सिलेंडर की हाइट दिया था 3, हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो लिखेंगे सो देयर फॉर द टोटल हाइट ऑफ फिगर
is equal to height of cone plus height of cylinder. Height of cone कितना हमने find किया है? 6 plus height of cylinder कितना है? 3 is equal to 9 centimeter. ये question number 7 हमारा solved है. Question number 8 हमारा, a toy made from a semi hemisphere, a cylinder and a cone shown. पता है यहाँ पे एक टॉय बना है जो एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर और एक कोन से बना हुआ है. एंड फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. टॉय की टोटल एरिया फाइंड करनी है. टोटल एरिया फाइंड करना है तो हम हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का और कोन का केवल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके अगर जोड़ देते हैं तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं कोन से. फॉर कॉनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट इसका हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. यहाँ पे आर की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर. यह नहीं दिया है बल्कि एच दिया है. एच इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर. आर दिया है, एच दिया है. यह नहीं दिया है तो हम एल निकाल देते हैं. एल निकालने के लिए फॉर्मूला है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर की वैल्यू दी है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16. 9 प्लस 16 125. सो देयरफॉर एल का स्क्वायर रूट लेते हैं. बस एल स्क्वायर 25 है तो एल स्क्वायर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. अब हम इसका क्या निकाल देते हैं? कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण इज इक्वल टू पाई आर एल. पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है. आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 और एल का वैल्यू हमने जो सभी निकाला है 5. ये आ गया 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह हम सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए लेंगे. फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. यहाँ भी आर चाहिए और एच चाहिए. आर की वैल्यू दी है आपको पता है 3 सेंटीमीटर और एच यहाँ पे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. आर दिया है, एच दिया है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 2 pi r l. 2 की वैल्यू 2 रखते हैं, पाई की वैल्यू पाई रखते हैं. r की वैल्यू दी है यहाँ पे 3 और s की वैल्यू है 40. मल्टीप्लाई कर देते हैं आ जाएगा 240. पाई रहेगा वैसे ही पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी निकल गया. लास्ट पार्ट पर बचा है हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर के लिए भी हम निकालते हैं. और हेमिस्फेरिकल पार्ट इसके लिए इसका भी हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है. इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर. उसके लिए आर चाहिए. आर की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर is equal to 2 pi r square. 2 की वैल्यू 2 रखते हैं, pi की वैल्यू pi रहने देंगे. r की जगह हम क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर. 2 into pi into 3 का स्क्वायर 9 का 2 बन रहा है 18 pi सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे हमने तीन पार्ट में निकाल दिया. पहला कौन, पहले कौन का सरफेस एरिया निकाला है, फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाला है, फिर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल दिया. अब हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया चाहिए. तो लास्ट लाइन लिखे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू दिस प्लस सबको ऐड कर देते हैं 15 पाई प्लस 240 पाई प्लस 18 पाई. सबको ऐड करते हैं तो आंसर आता है हमारा 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर.
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ए सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट्स इज शोन, द रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 mm एंड द थिकनेस इज 5 mm, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर्स। तो हमें पहले रैपर की वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और एक टैबलेट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। रैपर के वॉल्यूम से एक टैबलेट का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो कितने रैपर्स कितने टैबलेट्स रैप किए जाएंगे हमें पता चल जाएगा। चलिए निकालते हैं, फर्स्ट हम निकालते हैं रैपर्स के लिए, फॉर रैपर्स, रैपर्स के लिए यहां पे आर दिया है, नहीं यहाँ पे डायमीटर दिया है, डी इक्वल टू दिया है 14 mm, डायमीटर दिया है तो हम इसे रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस होती है हमारी, रेडियस इक्वल टू डी अपॉन टू, 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 mm, और हाइट दिया हुआ क्योंकि वॉल्यूम निकालना है उसके लिए हाइट भी चाहिए, हाइट दिया हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हमारी रेडियस mm में है सो सेंटीमीटर को भी हम mm में चेंज कर देंगे, 10 × 10 इज इक्वल टू 100 mm, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ऐसा हम लिख के दिखा सकते हैं, वो यहाँ लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, रैपर का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ रैपर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई के वैल्यू ऐसे रहने देते हैं, आर हमने कितना निकाला है 7 × 7 लिख सकते हैं, इंटू एच, एच की वैल्यू है 100 cm³, यहाँ पे रैपर का वॉल्यूम आ गया है। अब हम निकालते हैं टैबलेट्स का, और टैबलेट वहां पे रेडियस दिया हुआ है, टैबलेट के लिए रेडियस उन्होंने दिया है 7 mm एंड हाइट, उसकी हाइट भी दी गई है, थिकनेस जो है 5 mm, सो हम टैबलेट का वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई जब हम डिवाइड करें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू है 7, 7 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं 7 × 7, बिकॉज 7 का आर का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है 7 × 7 × 5 cm³। अब हमें क्या निकालना है, टोटल ऐसे नंबर ऑफ टैबलेट्स का है जिसको रैप किया जाए, तो निकालते हैं हम नंबर ऑफ रैप टैबलेट्स, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ए टैबलेट, क्या करते हैं हम रैपर के वॉल्यूम को टैबलेट के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। रैपर का वॉल्यूम आया है हमारे यहां पे पाई इंटू 7 × 7 × 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट आया है पाई इंटू 7 × 7 × 5, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 100 अपॉन 5 20। टोटल हम कितने टैबलेट्स यहाँ पे रैप कर सकते हैं, 20 टैबलेट रैप कर सकते हैं।